बिजी लाइफ में लोगों को अपने बालों का केयर रखने का टाइम ही नहीं मिल पाता है, लेकिन हेल्दी बाल हर किसी को चाहिए और मेहनत ना करना पड़े, ऐसा कहाँ होता है भैया। मेहनत तो करना ही पड़ेगा अगर बालों को खूबसूरत रखना, अच्छा रखना है। और साथ ही साथ बाल तो इतने गिर ही रहे होते हैं, ऊपर से ग्रे हेयर की प्रॉब्लम अलग होती है। लोग आजकल कम उम्र में ही ग्रे हेयर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। प्रॉब्लम इसलिए बढ़ा है क्योंकि लोग अपने खान पान का अच्छे से ध्यान नहीं रखते, हेयर का केयर नहीं करते। और अगर आपको जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है तो आज की रेमेडी को यूज़ कर लेने के बाद आपकी ग्रे हेयर की समस्या खत्म हो जाएगी और साथ ही साथ आपका हेयर ग्रोथ भी प्रमोट हो जाएगा। तो आप अपने ग्रे हेयर का टेंशन छोड़ दीजिए। दोस्तों, अगर उम्र के साथ साथ बालों का सफ़ेद होना तो आम समस्या है, लेकिन उम्र से पहले बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो प्रॉब्लम तो है। तो आप अपने सफ़ेद बालों को किस तरह से काला करेंगे उसके बारे में जानते हैं। आज मैं बिल्कुल नेचुरल हेयर डाई बनाना बताऊंगी, जिससे कि अगर आपके बाल सफ़ेद होना शुरू हुए हैं तो वो वापस से काले हो जाएंगे। जितना हो सके बालों का केयर करें और केमिकल वाले डाई का यूज़ करने से बचें। बाल ही तो हैं जो हमारी सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। अगर बाल ही अच्छे नहीं होंगे तो खूबसूरती किस काम की, खूबसूरती फीकी फीकी सी लगती है। तो इसलिए बालों का केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको हेल्दी हेयर चाहिए और हेयर फॉल से बचना है और ग्रे हेयर नहीं चाहिए तो आपको ये रेमेडी फॉलो करनी पड़ेगी। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को पूरी तरीके से देखिए। पूरी वीडियो देखिए, वीडियो को बीच में स्किप कर देंगे तो आपको रेमेडी समझ नहीं आएगी। आप आधा अधूरी जानकारी लेके बाल में ट्राई करोगे तो आपके लिए काम नहीं करेगा। फिर आप कमेंट में आके लिखोगे कि आपके लिए यूजफुल नहीं, बालों में कलर नहीं आया। तो आइए इसके बारे में जानते हैं और बात। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की रेमेडी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम बगल में जो बेल आइकन उसको प्रेस जरूर कर दें ताकि मेरे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए रेमेडी स्टार्ट। तो आज की रेमेडी के लिए मैंने लिया हल्दी। ये वही हल्दी है जो आपके किचन में यूज होता है। अगर ये हल्दी आप नहीं यूज करना चाहते तो आप कस्तूरी हल्दी भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उन दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हल्दी के यूज से कैसे बाल कलर करेंगे। हल्दी एक औषधि है, मेडिसिन है, जिसे हम हर रोज़ खाने में यूज़ करते हैं। कई बीमारियों से हल्दी हमें बचाती है। वो हमारे बाल को नुकसान कैसे कर सकती है? हल्दी डैंड्रफ की समस्या को दूर करती है। अगर बालों में खुजली होती है, इरिटेशन होता है, उसे भी दूर करती है। आज हम देखते हैं कि हल्दी से कैसे हम हेयर डाई बनाते हैं, नेचुरल हेयर डाई। तो इसके लिए एक लोहे का पैन ले लीजिए। उसके ऊपर आपको क्या करना है, 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर सरसों ऑयल लेना है। उसके बाद 2 टेबल स्पून के बराबर हल्दी ले लेना है। उसके बाद एकदम लो फ्लेम पे इसको आपको 5 से 7 मिनट तक पकाना पड़ेगा, जब तक कि इसका कलर पूरी तरीके से ब्लैक ना हो जाए। तो जब तक ये पूरी तरीके से ब्लैक हो रहा है, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। हल्दी कितना ज़्यादा गुणकारी होता है बालों के लिए, स्किन के लिए और हेल्थ के लिए, हर मामले में हेल्दी होता है हल्दी। अभी आप इस रेमेडी को बनाए याद रखिएगा कि लोहे के पैन में ही यूज़ करिएगा, इसको बनाइएगा, क्योंकि तभी ये बढ़िया कलर देगा। वरना अगर आप किसी अदर बर्तन में करो, स्टील के बर्तन में करो, तो वो बढ़िया कलर नहीं मिल पाएगा। ना तो आपको आयरन मिल पाएगा, ना ही वो बढ़िया ब्लैक कलर बन पाएगा। इसको बनाने में बहुत टाइम लगने वाला है, 5 से 7 मिनट लगने वाला है। तो इसके बारे में और डिटेल जान लेते हैं। लेकिन ज़माने में लोग कहावत कहते थे ना कि 100 बीमारियों की एक दवा है हल्दी, उसी तरह हमारे बालों के लिए, स्कैल्प के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हमारी स्कैल्प को क्लीन करती है। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है। किसी भी तरह का चर्म रोग हो उसे भी दूर कर देती है। खास करके बारिश के मौसम में सिर में बहुत ज़्यादा मात्रा में खुजली हो जाती है, कई बार तो स्कैल्प में इन्फेक्शन भी हो जाता है। तो वो सारी परेशानियों को दूर कर देगी हल्दी। और अगर आपको हेयर फॉल की समस्या है तो उसको भी कम कर देगी। जब स्कैल्प हेल्दी होंगे तो बाल अपने आप ही अच्छे हो जाएंगे। साथ ही साथ हमारे बालों में थिकनेस प्रोवाइड करती है और हेयर ग्रोथ को बहुत ज़्यादा फास्ट कर देती है, प्रमोट कर देती है। अगर आपको हेयर फॉलिकल की समस्या है, थिन हेयर की समस्या है, तो उन सबको ये दूर कर देगी हल्दी, इतना ज़्यादा इफेक्टिव है। तो बस इसको ब्लैक कलर आने तक ही पकाना है। उसके बाद जब ये पूरी तरीके से पक जाए, उसके बाद इसको गैस को बंद कर देना है। और जब ये ठंडा हो जाए पूरी तरीके से, क्योंकि कोई भी रेमेडी गरम गरम बालों पे अप्लाई नहीं करनी चाहिए, फिर आप कहोगे बाल मेरे और पकने लगे। ठंडा होने के बाद पूरी तरीके से जब वो नेचुरल टेम्परेचर पर आ जाए, ठंडा होने के बाद ही इसको अपने बालों पर अप्लाई करिएगा। और इसको आप मंथ में 2 बार अप्लाई करिए, धीरे धीरे करके। ऐसे आप रेगुलर बेसिस पे अगर यूज़ कर रहे हो तो आपके बाल नेचुरल कलर में आ जाएंगे। इसको जैसे भी आप हेयर कलर पहले यूज़ करते हैं, नॉर्मल हेयर डाई यूज़ करते हैं, हेयर कलर यूज़ करते हैं, उसी तरीके से इसको अपने बालों में अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने के बाद आपको इसको 2 से 3 घंटे तक अपने बालों में इसको रखना है। उसके बाद क्या करना है, किसी भी नॉर्मल वाटर से अपने बालों को वॉश कर लेना है। ठंडे पानी से धोना है, गर्म पानी बिल्कुल मत यूज़ करिएगा, नॉर्मल वाटर यूज़ करिएगा, ठंडा पानी, नॉर्मल वाटर जिसको कहते हैं। बस अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लीजिए। और रेमेडी पसंद आए तो चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हेयर वॉश के बाद आपके बालों में जो बेहतर कलर आएगा कि आपके अपने बालों से प्यार ही हो जाएगा। तो कैसा लगा? थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।